हे गाइस, दिस इज एसए लाइफस्टाइल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मेरे पास है एक और स्नीकर जिसका नाम है रोडस्टर, और ये एक ब्लैक स्नीकर है जो कि मैंने परचेज किया जेबोंग से। तो गाइस, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। सो शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्नीकर मैंने परचेज किया है जेबोंग से, और जेबोंग में पैकेजिंग आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है। प्लास्टिक के अंदर सीधा बॉक्स दे देते हैं, और पैकिंग के मामले में मुझे फ्लिपकार्ट काफी अच्छा लगा। वो लोग एक्चुअली अलग कार्डबोर्ड में पैक करके आपको बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों, इस शूज की प्राइस थी 2000 रुपीज, और ये मैंने डिस्काउंट में खरीदा, तो मैंने इसे 1239 रुपीज में खरीदा है कैश ऑन डिलीवरी। आप इसे कार्ड पेमेंट से भी मंगा सकते हो, वैसे मुझे 40 रुपए कैश ऑन डिलीवरी देनी पड़ी। तो गाइस, प्लास्टिक निकाल लेते हैं। तो प्लास्टिक निकाल लेते हैं। तो रोस्टर का ये सूट है, यहाँ पे लिखा हुआ द रोस्टर लाइफ एंड कंपनी। यहाँ पे रोस्टर की ब्रांडिंग है, बॉक्स ग्रे कलर का है। बॉक्स में उतना दम दिखता नहीं है, बट यहाँ पे आपको टैग मिल जाता है जहाँ पे आर्टिकल और कुछ डिटेल्स दी गई है, कंज्यूमर कंप्लेंट्स की डिटेल्स भी दी गई, और प्राइस दिया है, और सूट की साइज लिखी गई है। तो दोस्तों, बॉक्स को मैं खोल लेता हूँ। बॉक्स ऑलरेडी मैंने खोल लिया था, क्योंकि ऑनलाइन मंगाया तो यार चेक कर लेना काफी अच्छा रहता है। फिर देखिए आप अंदर, आपको यहाँ पे साइज डिटेल मिल जाती है। आप यहाँ पे अपना फिट मेजर कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं वो यहाँ पे डिटेल दी गई है। फिर यहाँ पे अंदर आपको रैप मिल जाता है, जिस पे लिखा हुआ है रोस्टर। ये निकाल लेते हैं, कुछ एकदम मतलब एकदम लाइट वेट आता है। फिर दोस्तों, शूज आपको मैं दिखा देता हूँ खोल के। सो गाइस, एज यू कैन सी, शूज इस कुछ इस टाइप का है। मैंने इसे फुल ब्लैक में परचेज किया है, इसमें काफी और कलर भी है। तो बेसिकली मुझे ब्लैक स्नीकर चाहिए था, इसलिए मैंने इसे फुल ब्लैक में खरीदा है। तो दोस्तों, ये जो अपर मटेरियल है इसका, यहाँ पे आपको कैनवास के साथ साथ लेदर का भी सपोर्ट मिल जाता है। जो लेदर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ तक मुझे फोटो में लग रहा था उससे काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे फुल टैग भी दिया है, और ये लेदर का है जिससे ना शूज का हील काउंटर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, शूज दिखने में काफ़ी स्ट्रांग है। फिर यहाँ पे आपको कॉटन बेस्ड लेसेस मिल जाती है। अगर ये पॉलिस्टर होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती, कॉटन वाली ना डर लगता है टूट ना जाए, ऐसा हिसाब किताब है। बट लेस अच्छी है, नो डाउट, दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे टंग पे आपको रोडस्टर की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि एक ग्रे लेदर का फैब्रिक है, जो दिखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और यूनिक लुक प्रोवाइड भी करता है, थोड़ा डिफरेंट है तो अच्छा दिखता है। फिर दोस्तों, आउटसोल की बात करें तो ये रबर आउटसोल है, काफ़ी स्टिकी है, और शूज इवन काफ़ी लाइट वेट भी है, जो कि आपको ट्रैक्शन में काफ़ी अच्छी हेल्प करता है, और थोड़ा कम्फर्टेबल भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो ये है आगे का पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी अच्छा है, ये शूज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट हाँ, अगर ये टेस्टिंग में प्रॉब्लम आते थोड़ा अजीब लगेगा, बट शूज दिखने में काफ़ी अच्छा है। और ये जो आगे का पार्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ग्रिपी है, काफ़ी स्टिकी है। कलर आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। साइज़ की बात करें तो मैंने मेरा एक्चुअल साइज परचेज किया, और आप इसे अपना एक्चुअल साइज ही परचेज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना ज़्यादा छोटा ना एक साइज बड़ा। और ऑल ओवर दोस्तों, शूज काफ़ी अच्छा लाइट वेट है, आप आउटसोल भी देख सकते हैं, काफ़ी स्टिकी और काफ़ी ग्रिपी है। मैंने इसे पहन के देखा, कंफर्ट लेवल यार, आपको ऐसे स्नीकर्स में आप कुशनिंग की, मतलब ऐसे स्नीकर्स में आपको कुशनिंग उतनी अच्छी नहीं मिलती, बट लुक आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आप एवरीडे स्कूल कॉलेज और कैजुअल यूज में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आप इसे जेबोंग से परचेज कर सकते हो, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ।